हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। दोपहर के 1 बजा हुआ है और 1 बजे से पहले जो हमारा काम होता है वो सारा खत्म हो चुका है। और उसके साथ साथ ही आज कर रहे हैं हम, घर में आज एक पूजा है। और पूजा किस तरह की है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पूजा कर रहे हैं हम हैं बाबा मैन, सही निराकार बाबा बोलते हैं हम, जिसका मंदिर हरियाणा में है। तो उस पद में हम हैं। हम सबसे पहले उनकी ही दिया करते हैं, दिया बत्ती उनका करते हैं, फिर बाद में देवी माता का करते हैं। वैसे तो हम सारे भगवान जी की पूजा करते हैं, पर कहते हैं ना कोई ऐसा होता है जो हम जिस पद में होते हैं उसकी पूजा सबसे पहले करते हैं। तो हम सही निराकार बाबा में हैं, तो उसकी रसोई होती है और साथ जीनते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो आज हमारे पूजा कर रहे हैं ना, तो उस पूजा में हम जिमा रहे हैं आज साथ। जैसे नवरात्रि में है ना, नवरात्रि में हम लड़के जिमाते हैं, तो इसी में ही बाबा के इसमें साथ जिमाते हैं। यानी कि साथ में क्या होता है, लड़के लड़के जिमाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। अपनी इच्छा है कितने कितने को खाना खिलाना है, जैसे कि 11, 21, 51। तो चलिए हम ना आज वो ही कर रहे हैं, तो उसमें जिमा रहे हैं लड़के। हम लड़के ये तो मुझे पक्का पता नहीं कितने हैं, कि 50 बोल रहे थे सारे टोटल घर के और बाहर से। इसका प्रसाद होता है खीर का, तो खीर बनाई है, दाल चावल बनाएंगे। अभी अभी तक तो खीर ही बनाई है, शाम को जिमाएंगे। दोपहर 1 बजा हुआ है, पहले तो पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ कैसे करते हैं सब तरीके से आपको मैं बताऊंगी। और बहुत खुश हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, कि ऐसा मौका हमें बहुत दिनों बाद मिला है। बहुत दिनों बाद, जब से मेरी शादी हुई ना, 12-13 साल मेरी शादी को हो गए, यानी कि पिछली कन्हैया जी के साथ हुई थी, तो उस बीच में ही ये दूसरी बार कर रही हैं लड़के, मतलब दूसरी बार खाना खिला रही हैं। और देखिए खीर दिखा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो खीर बनाई थी ना, दोपहर बनाई थी। देखिए सारी मेवा डाल के बना रखी, पूरा एक भिगोना भर रहा, खूब बड़े वाला। हाँ बेटा, ये ठंडी होने के लिए, मतलब जैसे कि शाम तक का। अभी रख दो बेटा, बहुत अच्छी मेवा डाल रखी, बहुत सारी, टेस्टी बनेगी, खूब बढ़िया। और ऊपर बना रहे, चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। आप अब ढक दो से, ऐसे ही जैसे ये ढक रही थी। आपको ऊपर लेके चलती हूँ छत पे। और देखिए ठंडे की बोतल लेके आए, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, तो मेरे में दर्द है एक छुट्टी भर, बस काला नमक डाल दे। आप भी पीज लीजिए, जब तो हम छोटे की डाल दी आपको बड़े लिए। हम बच्चे हैं, ये बड़े हैं। और देखिए अभी तो दाल उबालने के लिए ही रख रखी है, कम कम आंच में ये उबल जाएगी, फिर इसमें अपने तरीके से तड़का लगाएंगे। तो चलिए मैं आई थी ऊपर छत पे यही दिखाने के लिए। तो जब मैं ऊपर आई गई, एसी चला रखी इधर, तो कपड़े लेके जाती हूँ, ये कपड़े सूख गए। देखिए बच्चे भी आ गए मेरी साथ साथ पीछे। मिष्टी आराम से उतार लो, चलो मैं भी उतार लू, ईशू भी आ रही। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको खीर तो दिखा दी थी, ये खीर बन गई है, चलो एक बार वो दिखा देती हूँ। ये खीर है और ये है सूजी का हलवा और ये चावल। दाल भी बन चुकी है, दाल ऊपर ही है, नीचे लाएंगे। ये हमारा भंडारा हो गया, ये कमरा आज मीनाक्षी का कमरा, आज भंडारा हो गया। और मैं लगा रही हूँ अभी पोछा, क्योंकि अब जहाँ आने शुरू हो जाएंगे जो हम लड़के जिमाएंगे। मम्मी कर रही थी थोड़े से बर्तन थे, मैं साफ करे हैं। और ये तो अभी ऊपर से आई है, वो अट्टा घूमने की छल नहीं है, तो देखिए चावल के से चलिए। हाय, अरे लड्डू उठ गया क्या? सबसे पहले तो लड्डू जिम जाएगा, सबसे पहले लड्डू। अब दीपा जिमेगा,
हाँ। पोछे का काम निपटा नहीं क्या अभी? बस एक बार नहीं। पोछे का काम खत्म नहीं हुआ? सुबह तो लगा दिया था, अब गंदा हो गया था ना। हाँ मम्मी कैंपर रख दूँ? उधर रख दे। हाँ इधर ही रख दे यहाँ। देखिए मीनाक्षी भी आ गई। ये ना लड्डू को दे दी। ये देखिए कैसे दे दी। चुन्नी तो छोड़, तब इतने का जाएगा फिर मम्मी द्वारा जीता रहेगा। देख ये देखे कैसी दे दी। बैठ जा हवा में। देखिए दीदी भी आ गई। दीदी ये निंदी कर रही थी क्या? आ गई बब्बू गाड़ी में बैठ कर निंदी आ रही थी क्या? अंगड़ाई अंगड़ाई दीदी रानी आए जी लग गया था बब्बू। मम्मा का जी लग गया था। लग गया था तिलक लगा के आई जल्दी। ये बाल्टी में उसमें गिर दे छोटे वाले में। नहीं छोटे वाला क्यों आया रसोई में? ये बहुत टाइम लगा दिया। ये तुझे जल्दी आ गया। मैं एकदम नहीं सही। अब ना जाने की। अरे हम इससे नहीं तो पूछ रहे सारे कपड़े ले आए क्या अपने? नहीं हम तीन बैग ले थे। देखिए अब ना कर रही है पूजा। जो हमने सारा प्रसाद बनाया वो एक थाली में लगा लिया। और कद्दू बब्बा तो अभी बब्बा जी तो बब्बा दूसरा है एक और जिसकी पूजा हो रही नहीं वो नहीं बेटा ना वो नहीं ऐसे ही बस ऐसे ही कर ले हाथ जोड़ ले। देखिए ये पूजा ऐसी होती है हम सब लेडीज नहीं कर पाते। ये करते हैं घर के बड़े मतलब आदमी जो होते हैं लड़के सबसे बड़े घर के होते हैं जो ये है हमारे ताऊ जी। तो ये चला रही हैं कैसे पूजा करते हैं सब सब या सब के घर के सदस्य लड़के ही मिलेंगे। मिकी धूप ले ले। देखिए बैठ गई साथ हो जाएंगे। चलो
देखिए रोटी बनाने के लिए दो लेडीज बुलाई है।